नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पूरी तरह से हो चुकी है तैयार। और दोस्तों यहां पर करने वाली है इस बार आईपीएल 2020 में धमाका। हर साल की तरह दोस्तों इस बार भी आरसीबी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं, लेकिन दोस्तों इस बार आरसीबी ने अपनी टीम में काफ़ी बदलाव किए हैं और एक मजबूत टीम बनी है आरसीबी की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है आईपीएल 2020 में, और दोस्तों कितनी खतरनाक बनी है टीम, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों विराट कोहली की कप्तानी में उतरेगी एक बार फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और इनकी तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं दोस्तों एरन फिंच और विराट कोहली। दोस्तों दोनों काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं और टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दिला सकते हैं। बात करें विराट कोहली की तो हर बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि इनके बल्ले से खूब रन बरसे और आईपीएल का खिताब इस बार आरसीबी ही जीते। लेकिन दोस्तों इनके साथ उतरने वाले हैं एरन फिंच। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और टी20 के एक जाने माने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये कमाल कर सकते हैं इनके साथ मिलकर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर उतरने वाले हैं एबी डिविलियर्स। 4 पर मोइन अली, 5 पर भारती पटेल, 6 पर शिवम दुबे और 7 पर वाशिंगटन सुंदर। एबी डिविलियर्स इस टीम की जान रहे हैं हमेशा से और काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते आए हैं, और इस समय दोस्तों एबी डिविलियर्स काफ़ी शानदार फॉर्म में हैं और ये आरसीबी के लिए काफ़ी शानदार बात है और एक खुशी की बात है। और वो इस बार आरसीबी के लिए अपने शानदार प्रदर्शन से टीम के लिए अलग ही कुछ लिखेंगे। और वहीं पर मोइन अली की बात करें तो दोस्तों काफ़ी शानदार बल्लेबाज है। इसके अलावा भारतीय टीम के शानदार ऑलराउंडर शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर इस टीम के लिए मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्रिस मॉरिस, उमेश यादव, यूजी चहल और मोहम्मद सिराज। ये 4 इस टीम के शानदार गेंदबाज हो सकते हैं, जिसमें दोस्तों क्रिस मॉरिस इस टीम के लिए अहम ऑलराउंडर का रोल निभाने वाले हैं। दोस्तों क्रिस मॉरिस को 10 करोड़ रुपए देकर खरीदा है आरसीबी ने, तो दोस्तों इस बार कमाल करते हुए नजर आएंगे क्रिस मॉरिस। इसके अलावा दोस्तों उमेश यादव शानदार गेंदबाजी करते हैं, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज इस टीम के लिए और शानदार गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं। तो एक मजबूत टीम नजर आ रही है इस समय तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसके पास एक लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद है और दोस्तों ये कमाल कर सकती है इस बार के आईपीएल 2020 में। और दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2020 में कहां तक रहेगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सफर और कौन सा बल्लेबाज है आरसीबी में आपका फेवरेट, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और आपको भी आरसीबी की प्लेइंग 11 अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।